ऑन ये साउथ में जब थे पहले, ठीक है, ये इनका इंस्टीट्यूट था, नॉर्मल लोगों के साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। कहाँ से पढ़ाई की? बैंगलोर। नहीं, क्या नाम था इस का? सेंट जॉन स्कूल। सेंट जॉन स्कूल बैंगलोर। ओके। आफ्टर फ्री स्ट्रेंथ then she did diploma in BFA, bachelor's in fashion, fine arts. Bangalore on. Which college? Karnataka Chitkara College. Chitkara. Now she is working as a teacher, arts teacher. So idea कहाँ से आया write का? Fifteen years से इनके बचपन से इनका childhood इनका dream था कि इन्होंने bike पे इन्होंने travel करना है इंडिया. और ये 15 साल से ये travel पहली बार bike कब चलाई थी? First time. 21 when she was 21. और वहाँ लाइसेंस बन जाता? क्या? Because I'm a church. They ask me. Yes, she has license because she is HS, hard of hearing. That's why she has license. Otherwise, अगर ये full deaf and mute होती तो license नहीं बनता इनका. Okay. She can speak little bit ना. Okay. And she can hear तब तक. So अभी जो idea आया ये कब आया? कब plan किए इन्होंने? ये जो ride from Bangalore to Leh. इन्होंने देखा कि लोग नॉर्मल लोग इतना ट्रैवल करते हैं तो इनको एक थॉट आया कि हम भी उनसे कम नहीं है और हम उनसे एट पा रहे हैं, तो तब इनको आइडिया है कि हम भी एक ऐसा कुछ एक्सपेडिशन करें जिसमें ये एट पा रहे हैं नॉर्मल लोगों को। अभी ये कितने क्लब्स के मेंबर हैं? राइडिंग क्लब्स के फाउंडर, बट इज टोटल कितने क्लब्स हैं जिनके ये मेंबर हैं? आज क्लब के से एसोसिएट नहीं है ये, नहीं जैसे ये लगाया हुआ है, दिस इज नॉर्मल ट्राइकल, ये नॉर्मल क्लब्स के उनके भी मेंबर के बैचेस हैं उन्होंने। दिस इज माय ग्रुप, नहीं दिस इज इनका, हां टैलेंट टैलेंट एक्सप्लोरेशन या इनका ही है, ठीक है, बट इन सब के भी ये मेंबर हैं। दिस इज आपके पेपर राइटर्स ऑफ बेंगलोर की वो हैं, बट शी राइट्स, यस यस, बट शी राइट्स विद देम, दे आर राइटर्स बट वी मेक ओके। इन्होंने ट्रांसफर किया है एक दूसरे को, ठीक है, ये उसके पार्ट नहीं है एनजीओ के, उनके एसोसिएट्स नहीं, राइट करते हैं, राइट किया उनके साथ, दे ऑल आर नॉर्मल, शी इज अलोन, शी इज लास्ट कितने इयर्स से ये कर रहे हैं, इन्होंने 21 ईयर जब ये 21 के तब इन्होंने शुरू किया था। कौन सी बाइक थी सर, कैसे ली थी बाइक? आरएक्स यामा। तो वो क्या सेकंड हैंड ली थी, कैसे ली थी? नहीं ली थी, फ्रेंड ने दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज हर न्यू बाइक। सो ये जो एक्सपीडिशन है इसका क्या संदेश क्या है, मैसेज क्या है? यू नीड टू इंस्पायर राजेश मोटो, ऐसा नहीं है कि पब्लिक में कि इनको कुछ कम महसूस हो कि हम किसी से कम हैं, ठीक है, बींग अ वुमेन शी वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज कि आजकल जो इतना पब्लिक में रेप हो रहा है, आजकल इतना इनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो ये अकेले राइड कर रहे हैं तो इनको ऐसा कोई पब्लिक में डर नहीं है और शी कैन डू एनीथिंग। और ये खर्चा किसने किया इसका राइड का? सो बट आवर मेन मिशन इज नॉट दैट, आवर मेन मिशन इज टू ब्रिंग अबाउट द लेफ्ट दी हार्ड ऑफ हियरिंग एंड दी दैट देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज इन लाइफ, यस राइट, लाइक फॉर एग्जांपल शी इज आल्सो टीचिंग, शी इज आल्सो अ मेटल स्कल्पचर, शी इज आल्सो राइडिंग, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग and to bring about inclusion between the harder people. क्या ये हमेशा ग्रुप में ही राइड करते हैं या अकेले भी राइड करते हैं? Sometimes like this we are just two of us riding now, sometimes it's with a group, okay, we
राइडर्स ऑफ बैंगलोर. ओके, तो रास्ते में कभी कोई प्रॉब्लम्स हो कैसे से आप फेस करते हैं, अगर कोई रास्ते में कई किलोमीटर दूर तक suppose that will be first I will venture or second one. So that's why we've got help and support from all these groups.